इंटरेस्टिंग नहीं भी लगा तो मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि यही काम मुझे करना है. तो या देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, लेट मी नो हाउ इज योर संडे गोइंग. आप कैसे स्पेंड कर रहे हो, क्या खा रहे हो लंच में, कुछ मूवी देखने गए हो, क्या कर रहे हो, लेट मी नो एवरीथिंग. एंड या स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग. So after I wake up in the morning, as you guys know, I first sip on to my green tea. And यहाँ पर green tea sip करने के बाद मैं थोड़ा सा एक wet wipes लेके अपने face को clean कर रही हूँ because बहुत ज़्यादा oily feel हो रहा था मेरा face. And yeah, of course I'm going to use my face wash and everything. I'm talking to Genie, by the way. Hello, this is Genie. Please subscribe to this channel if you haven't. And you do need to give me a biki, otherwise I'm gonna turn away my face. Bow. जीनी के साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ क्योंकि उसके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना मेरा दिन कंप्लीट होता ही नहीं है, शुरू भी नहीं होता है. बिकॉज यू नो ही सच अ क्यूटली क्यूटली पपी. एंड या इसको देखो, इसको तो बहुत ही मज़ा आता है. जब भी कोई इसको पकड़ के एकदम ढेर सारा प्यार करेगा तो ये मतलब एकदम उसी के लिए बैठ जाएगा. ही जस्ट इंजॉयज इट, ऑल द कडल, ऑल द लव ही कैन गेट, इट्स नेवर इनफ फॉर हिम. क्योंकि मम्मी का ट्रेन दोपहर में है तो पहले लंच बना लूँगी, उसके बाद मम्मी के साथ जाऊँगी. तो यहाँ पर मैं कुछ सब्जी वगैरह काट रही हूँ और वो चिकन जो है गैस पे मैंने रखा है हल्का सा हीट में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है चिकन बिकॉज इट वॉज इन फ्रीज़र. और हल्का सा पानी में हीट में रखने से वो जल्दी जल्दी नरम होता है एंड इट जस्ट मेल्ट, सो इट वर्क्स बेटर. और मैं एकदम लो फ्लेम में ये करती हूँ बाय द वे, इफ़ यू वांट टू ट्राई. और कुछ देर बाद मैं गैस बंद कर देती हूँ, जस्ट गर्म पानी में उसको छोड़ देती हूँ. सबसे पहले सोची हूँ आज चिकन बनाऊंगी और थोड़ा वेज में कॉलीफ्लावर बनाऊंगी. वैसे रेसिपी शेयर करने का तो कुछ है नहीं क्योंकि आप लोग मुझे बहुत बार देखे हो चिकन को बनाते हुए. तो यहाँ पर मैं सारे मसाले को ऐड करके मिक्स करके यू नो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द थिंग्स इन द वे आई एम सपोज टू. वैसे मैंने चिकन कशा का रेसिपी आज से बहुत पहले मैंने शेयर किया था मेरे चैनल में. क्वालिटी शायद उतना अच्छा ना हो बट अगर चाहो तो आप देख सकते हो. इधर पे तो आपको दिखाई दे रहा है मैं क्या कर रही हूँ. हाँ, कई बार मैं एक होल गार्लिक डाल देती हूँ चिकन में बिकॉज गार्लिक जस्ट गिव सम एक्स्ट्रा फ्लेवर. प्लस यू नो गार्लिक इज रियली गुड टू बर्न फैट और मैं वो पूरा गार्लिक को खाती हूँ. इट्स नॉट ओनली फॉर फ्लेवर, आई लाइक हाउ इट टेस्ट इन द ग्रेवी. हाथों से काम करूंगी ताकि मेरा काम जल्दी से खत्म हो क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है. मुझे मम्मी के साथ भी जाना है, लंच कंप्लीट करना है, जीनी को खाना देना है और मैं ये सब काम गाना सुनते सुनते करती हूँ क्योंकि आपको पता है गाना सुनना मुझे पसंद है. तो गाने के बिना मैं कहीं नहीं जाती, कुछ भी नहीं करती. चिकन को मैं अभी बिठा रही हूँ, तेल गरम किया है, गरम मसाला डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है, अभी प्याज डाल दूंगी और फिर उसके अंदर चिकन मसाला सब चीज़ डाल दूंगी और उसमें पानी मिला के चिकन को मैं बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी और चिकन अपने आप में थोड़ा प्रिपेयर होता रहेगा. मैं एक्चुअली चिकन कसा बना रही हूँ एंड यू गाइस नो दैट राइस एंड चिकन कसा इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डिश. मेरे लिए अल्टीमेट सोल फूड है इज़ प्रॉब्ली चिकन एंड राइस और रोहू फिश करी एंड राइस और यू नो दाल राइस एंड ऑमलेट. दिस थ्री आइटम्स आर माई सोल फूड. अगर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये तीन आइटम होने से मैं खा लूंगी, आई डोंट नीड मच. तो जैसे जैसे चिकन पक रहा है यहाँ पर मैं एक दूसरा कढ़ा को थोड़ा साफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरे गैस में कॉलीफ्लावर की सब्जी बिठाना है. वैसे मैंने इसका भी रेसिपी ऑलरेडी मेरे ब्लॉग पे शेयर किया है. मैं सारे लिंक्स को नीचे इंक्लूड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो देख सकते हो. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैंडलिंग द किचन कम्प्लीटली ऑन माई ओन. इससे पहले शायद आप मुझे ऐसे खाना बनाते हुए नहीं देखे हो, आप बस खाना को बनते हुए देखे हो, मुझे नहीं देखे हो बनाते. हाँ, घबराइए मत, मैं ऐसे दूर से ही जो है सब्जी को डालती हूँ तेल में क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है तेल छिड़कने से. मेरी मम्मी कहती है कि मैं आराम से थोड़ा सा फ्लेम कम करके डाल सकती हूँ. इट डजंट हैपन बट स्टिल आई एम ऑलवेज लाइक दैट. आई नो इट लुक्स फनी बट क्या आप भी ऐसा करते हो? अगर तेल में चीज़ें डालते हो तो थोड़ा दूर से डालते हो ऐसे यू नो मेरे जैसा, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. पर मैं तो ऐसा करती हूँ. तो कॉलीफ्लावर को भी मैं सारा इंग्रेडिएंट ऐड करके उसमें वाटर ऐड करके बॉयल करने के लिए छोड़ दूंगी और ताकि यू नो सब कुछ बन जाए. चिकन तो ऑलरेडी देख ही रहे हो अब दूसरे गैस में बन रहा है और ये बहुत जल्दी बन भी जाएगा क्योंकि चिकन बनने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है.
ऑलरेडी फ्लावर भी लगभग यू नो इट्स ऑल रेडी, और यह कुछ देर कुक करने के बाद दोनों को ही गैस से निकाल लूँगी। और आप देख सकते हो मेरा डिश का कुकिंग तो हो गया है, राइस ऑलरेडी सुबह में ही जो है हम लोग का मेड आती है, शी हैज़ प्रिपेयर द राइस ऑलरेडी। फिर मैं थोड़ा गैस साफ कर लूँगी पहले, दूसरा चीज़ से मूव करने से पहले, क्योंकि यू नो आई डू नॉट लाइक टू कुक इन मेसी एरिया, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं एक भीगा हुआ कपड़ा से पहले गैस को थोड़ा सा साफ कर लूँगी, और उसके बाद मैं बिठा दूँगी मेरी प्यारी ग्रीन टी हरी चाय, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने हरी चाय पिया नहीं है। या अगर आपको पता नहीं है हरी चाय क्या है, इट्स जस्ट ग्रीन टी। तो अदरक और सिनेमन पाउडर डाल के मैं उसको बॉयल करने के लिए छोड़ दूंगी, और दूसरा गैस में बिठा दूंगी मेरी जीनी बच्चा का खाना। तो उसका लंच मैं बहुत ही सिंपल बनाती हूँ, आज वो चिकन खाने वाला है तो उसके लिए मैं बस स्टू बनाने वाली हूँ। और डॉगी के खाने में आप कभी भी नमक मत डालना, क्योंकि नमक से उन लोगों का हेयर फॉल ज़्यादा होता है, उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। यू कैन ऐड अ बिट ऑफ टर्मरिक एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, बिकॉज टर्मरिक एंटीबैक्टीरियल होता है, तो पेट में कोई भी इन्फेक्शन वर्म्स वगैरह पे वो अच्छा काम करता है। एंड दैट इज़ ऑल आई ऐड इन इस चिकन। उसका खाने में भी अभी प्रोटीन ज़्यादा जाता है और कार्ब कम जाता है, क्योंकि ही इज़ क्वाइट हैवी, और क्योंकि हम लोग उसके खाने को थोड़ा चेक करके देते हैं, तो इसलिए प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है और कार्ब कम होता है। और यहाँ पर मेरा चाय भी बन चुका है, यम, क्योंकि काफ़ी देर से मैं इंतज़ार करी थी एक कप ग्रीन टी पीने के लिए। आई वॉज सो फ्रीकिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव वन। तो जीनी का खाना तो बन चुका है, इसमें अभी मैं थोड़ा राइस कर दूंगी। वैसे जीनी दिन में एक बार राइस खाता है और एक बार रोटी खाता है, पर एक बार उसको राइस देने के लिए डॉक्टर नहीं बोला है, क्योंकि वो लोग एनिमल है, उन लोगों को एनर्जी चाहिए होता है, एंड ही एक्चुअली डू नॉट लाइक टू हैव रोटी टू टाइम्स। अगर देंगे भी तो वो नहीं खाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा, वी ट्राइड दैट। तो हम लोग लिमिट अमाउंट पर राइस देते हैं और ज़्यादा प्रोटीन रखते हैं, और उसको ना ऐसे ही चिकन छोटा छोटा पीसेस करके देना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं खाएगा, यू नो एकदम पैम्पर्ड बच्चा है। तो यहाँ पर मैंने अपना खाना भी ले लिया, यू कैन सी ऑल राइस, अ बोल फुल ऑफ चिकन एंड सम कॉलीफ्लावर। और जीनी को देखो मज़े से अपना खाना, अपना चिकन और राइस इंजॉय कर रहा है, ही इज ऑल इन टू फूड राइट नाउ। तो अभी अगर आप उसको बुलाओगे भी तब भी उसको नजर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो खाना खाने में भी सीधा आके मेरे चेयर के बगल पे बैठ गया है, उसका यूजुअल पोजिशन अभी पैर चाटते चाटते वहीं पर सोएगा, कि उसको बस वहीं पर अभी रहना है, जब तक मैं काम करूँगी खाना खाऊँगी वो वहीं पर ही बैठा रहेगा। तो मेरा एक बहुत बुरा आदत है, मैंने भी अपना खाना लेके बैठा है ज़रूर, लेकिन मैं कभी भी खाना लेके बैठ के तुरंत नहीं खाती हूँ, ये बात मेरा बहुत ही बुरा आदत है। मैं खाना एक्चुअली पहले रेडी करती हूँ, खाती हूँ एक घंटा बाद। दिस इज़ समथिंग माई मॉम एक्चुअली स्क्रीम ऑन मी एवरी डे, बट दिस इज़ वॉट आई डू। अब देखोगे मैं खाने को साइड करके रख दूंगी या, और अभी मैं पीऊँगी थोड़ा ग्रीन टी, एक घंटा एडिटिंग करूँगी, थोड़ा सा इधर उधर काम करूँगी, उसके बाद एक घंटे के बाद जब मुझे प्रॉपर भूख लगेगा तब मैं खाऊँगी। तो मैं हमेशा भूख लगने का एक घंटा आगे ही खाना रेडी करके ले लेती हूँ, क्योंकि भूख लगने का संग संग मुझे इंतज़ार नहीं होता है इसीलिए, एंड दैट इज़ हाउ आई डू, इट्स अ बैड हैबिट बट यू नो हू केयर्स। फिर मुझे खाना खा के रेडी होकर निकलना भी है, क्योंकि मम्मी को मुझे सी ऑफ करने के लिए जाना है कोलकाता स्टेशन। तो यहाँ मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर के बाद। काफ़ी अच्छा लगा फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे लगा कि एरिया बहुत क्लीन है और सुंदर है और बहुत मतलब अच्छा है, इट्स नॉट वेरी क्राउडी एंड कंजेस्टेड विच आई फेल्ट, एंड दैट इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक्ड। वैसे मैंने मम्मी को सी ऑफ कर दिया है, जस्ट टू लेट यू गाइस नो, मैं फिर बाहर आके सब चीज़ शूट करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि यू नो मम्मी का ट्रेन नहीं तो छूट जाता अगर मैं अपना शूट करने में खड़ी हो जाती। तो स्टेशन इज़ कंपैरेटिवली वेरी क्लीन इफ़ आई कंसिडर लाइक हावड़ा स्टेशन और शियालदा और एनी ऑफ दो स्टेशन, मुझे लगा कोलकाता स्टेशन इज एक्चुअली वेरी वेरी क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप सारे दूसरे स्टेशन भी ऐसा हो और ये जगह भी ऐसे ही क्लीन रहे। काम तो नहीं था पर मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके पे थोड़ा सा गरीहाट जाए, यू नो हल्का फुल्का कुछ सामान लेना था वो भी ले लेते और आपको थोड़ा गरीहाट का दर्शन भी करा लेते, क्योंकि वैसे मैंने बहुत महीने पहले
एक गरीहाट का शॉपिंग व्लॉग किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा मैं उसको लिंक कर दूंगी। पर आज का मौसम और यू नो लाइटिंग इतना अच्छा था, आई थॉट व्हाई नॉट व्लॉग अ बिट, बिकॉज यू नो इफ यू लव वीडियो व्लॉगिंग, इफ यू आर अ फोटोग्राफर, यू कैन नॉट मिस अ गुड लाइटिंग एंड यू कैन नॉट मिस कैप्चरिंग योर ओन सिटी एंड पुट इट थ्रू द फ्रेम, बिकॉज नथिंग इज मोर अमेजिंग देन दैट, नो डाउट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, और गरीहाट में ना लगभग आपको एवरीथिंग मिलेगा। न्यू मार्केट के बाद आई थिंक साउथ में गरीहाट इज अनदर प्लेस वेयर यू कैन shop a lot. You get jewelry, you get bags, you get clothing item, you know, you name a thing, you will find it out here. मेकअप लेके मैं वही बोलूंगी कि यहाँ पर मेकअप का बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल जो कॉस्मेटिक शॉप और ब्रांड वगैरह होता है लैक में मेबिलिन वही मिलेगा। मेकअप का वैरायटी अगर आपको चाहिए वो आपको इसके लिए आपको न्यू मार्केट से मोबाइल कवर सीरीज कपड़े जूते एंड ज्वेलरी एंड यू नो फूड्स वगैरह के लिए इट्स अ रियली नाइस स्टॉप। यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट हियर एंड यू कैन सी हाउ मच इट इज़ क्राउडेड। ऐसे समय पर आप जब आओगे ना सिटी के ऐसे क्राउडेड एरिया पर, यू जस्ट एक्चुअली feel the vibe of the city and the city people. You can see people enjoying themselves in shopping or roaming around or just window shopping or busy in their own life in work. It feels really nice to be in part of such busy crowd and just capturing this moment. Really nice, don't you think that, guys? Let me know what do you think. और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग मैं आपको पूरा गरीहाट का ही थोड़ा सामने से दर्शन करा रही हूँ। मेरा फेवरेट रोल शॉप विच इज बेदवीन, इट इज माय ऑल टाइम फेवरेट रोल शॉप। जब भी मैं गरियाट आती हूँ मेरे लिए एक बेदवीन का रोल लेना तो जरूरी है। वैसे तो मैं सब मेंटेन करके खाती हूँ, बट दिस इज समथिंग आई ऑलवेज चीट, आई डू नॉट स्टॉप माई सेल्फ फॉर ग्रैबिंग अ रोल फ्रॉम बेदवीन, बिकॉज इट इज वन ऑफ माई फेवरेट रोल कॉर्नर इन कोलकाता, नो डाउट। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है, डू ट्राई देयर चिकन रोल और पनीर रोल, वॉट एवर रोल यू कैन यू ट्राई फ्रॉम देयर, यू आर गोना लव इट। इट्स वेरी यूनिक एंड इट्स वेरी यमी एंड यू नो अभी आप देख रहे हो घर में मैं पहुंच चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी मैं थोड़ा अपने मेकअप ब्रशेस को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मेकअप ब्रशेस बहुत ज़्यादा डर्टी था, आई फेल्ट इट नीड टू बी वॉश्ड। एंड बाहर की तरफ निकाल के इनको, बहुत लोग ड्रायर से ब्रश ड्राई करते हैं, मैं ऐसा करती नहीं हूँ, क्योंकि ड्रायर से जो हीट निकलता है ना उससे ब्रश ड्राई करने से आपका जो ब्रश का ब्रिसल्स और हैंडल के बीच जो ग्लू होता है वो कई बार ख़राब हो जाता है, सो आई डोंट डू दैट। मैंने वैसे वीडियो शेयर किया है मेरे चैनल में कैसे आप मेकअप ब्रशेस को धो सकते हो, सुखा सकते हो, आप उसको चेक कर सकते हो, मैं नेचुरली सुखाती हूँ। के लिए छोड़ दिया, आप देख सकते हो वो मैंने ऐसे सारे ब्रशेस तो क्लीन नहीं किया, बस मेरे जो बेसिक इंपॉर्टेंट आई ब्रशेस है जो गंदा पड़ा था उसी को किया है। फिर मैं लूंगी एक कप ग्रीन टी और रेडी हो जाऊंगी शूटिंग के लिए, क्योंकि मुझे शूट भी करना है, आज काफी सारे पेंडिंग वर्क है। इसको देखो जीनी महाशय बैठा हुआ है बिस्तर के ऊपर, मेरे सारे प्रोडक्ट के ऊपर, पता नहीं इसको हमेशा अजीब अजीब हरकत क्यों करना होता है, मतलब पता नहीं, ये देखो मेरे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बैठ गया, अभी इसको सूंघ रहा है, देख रहा है उसको क्या लगे, मुझे लगता है ये मेकअप करना चाहता है, आई थिंक ही वॉन्ट्स टू डू मेकअप। ओके, आपको थोड़ा सेटअप दिखा दूँ, ये एक्चुअली ऑपोजिट वाला सेटअप है। आज मैं जब कोई मेकअप ट्यूटोरियल शूट नहीं करती हूँ तो ये ऑपोजिट वाला सेटअप यूज़ करती हूँ, जिसमें मेरा चेयर इधर लगा होता है सिस्टम के बगल में, और यू नो माय सॉफ्ट बॉक्सेस आर केप्ट ऑन दैट साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड। तो या बेड का हालत देखो क्या होके रखा है, आधा चीज़ तो मैंने हटा दिया है लेकिन फिर भी अभी कितना सारा सामान बिखर के पड़ा हुआ है, क्या करूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने नेल पॉलिश चेंज किया है वैसे, डू यू सी द रेड पॉलिश, मैं शॉर्ट्स पहने हुए ऐसे ही हमेशा रहती हूँ जब मैं शूट करती हूँ, ऊपर से बस फैंसी फैंसी कपड़ा होता है, नीचे से शॉर्ट्स। इसका नाड़ा भी लटक रहा है, इसको ठीक करना होगा, आई एम सॉरी, सी आई एम जस्ट होपलेस। 3:15 AM नाउ एंड आई एम डन शूटिंग,
4 videos, 2 from weight loss, 1 was very small, only intro and conclusion, and 1 first impression makeup tutorial. My eyes are getting red, but I still have to shoot 1 more Insta video and then I'm gonna wrap up. Yes. और हाँ, व्लॉग को भी एंड करना है, बहुत सारा काम है. कब करूंगी? करना पड़ेगा, नींद आ रहा है. आप लोग कभी इतना रात तक जागते हो? मैं तो ऐसे ही जागती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ बकवास कर रही हूँ ताकि नींद थोड़ा हट जाए. सोच रही थोड़ा चाय पीती हूँ, फिर नींद मेरा भाग जाएगा. उसके बाद मैं बैठ के अपना मेकअप नहीं सॉरी इंस्टा वाला शूट कर लूँगी जल्दी से. पूछते हो कि मैं कैसे मैनेज कर लेती हूँ इतना सारा काम को करने में. एक टाइम था ना मेरे लाइफ में, मैं बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन थी, एकदम कोई भी चीज़ मेरा सही नहीं था. आसपास भी नेगेटिव लोग थे और मैं भी बहुत नेगेटिव थी. अभी भी मैं नहीं बोलूँगी मैं 100% पॉजिटिव हूँ, ऐसा कोई नहीं होता है. हर किसी के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, मेरे अंदर भी है. पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने नेगेटिविटी को किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव तरीके से लेके आऊँ. मतलब आई जस्ट ट्राई टू पुट माई नेगेटिव एनर्जी इन डूइंग समथिंग पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मूड बहुत ऑफ होता है, मैं बहुत डिप्रेस फील करती हूँ, आई ट्राई टू डू थिंग्स विच विल बी मोर प्रोडक्टिव. मे बी आई विल डू अ मेकअप ट्यूटोरियल, मे बी आई विल टेस्ट आउट अ प्रोडक्ट, मे बी मीन्स सम हाउ और अदर आई विल ऑलवेज ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी सो दैट मेरा जो नेगेटिव चीज़ है वो नेगेटिव बन के बस रहना जाए. आई जस्ट चैनल इट टू अ पॉजिटिव डिरेक्शन, नो डाउट. मैं अपने आप को, अगर आप मुझे पूछोगे ना, मैं खुद को सबसे ज़्यादा नापसंद करती हूँ तब व्हेन आई एम फीलिंग ऑल डिप्रेस्ड और व्हेन आई एम फीलिंग रियली बैड और समहाउ वल्नरेबल. क्योंकि जब मैं ऐसा फील करती हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, आई सॉर्ट ऑफ फील दैट माय माइंड एंड माय हेड एंड माय आई एम लाइक सॉर्ट ऑफ अ पावरलेस पर्सन. आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड एंड आई जस्ट हेट माई स्टेटस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जब भी मैं कोई भी चीज़ लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करूँ, आई गेट माई सेल्फ इन टू सम सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी ताकि आई कम आउट ऑफ द फेज एज सून एज पॉसिबल. क्योंकि हर किसी का लाइफ में यू नो सुख दुख दोनों ही होता है. ऐसा तो नहीं कि भाई हर दिन सुख ही सुख बरस रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है. दोनों मिला जुला के होता है. तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं बिल्कुल भी ये टाइम बर्बाद नहीं करती सोचने में कि मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, इतना सारा काम है कैसे करूँ, अगर नहीं हुआ तो. मैं ये सब नहीं सोचती. मैं दिन के सुबह जब उठ के अपना कोई चार्ट बनाती हूँ, अपने दिन का जो पूरा काम जो भी करना होता है मैं सोचती हूँ. मैं हमेशा अपने आप को थोड़ा ज़्यादा काम देके रखती हूँ ताकि मैं जब काम दिन जब मेरा कंप्लीट हो, मेरा एटलीस्ट जितना करना कर मैं सकती हूँ उतना तक ही कंप्लीट हो. लव टू कीप माई सेल्फ बिजी. मुझे अच्छा लगता है जब मैं काम में बिजी होती हूँ, जब मेरे पास काम होता है. मेरे पास अगर काम नहीं होता है, आई डू नॉट लाइक. ये जो मेरा एक प्रॉब्लम और थॉट प्रोसेस है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइव करता है टू डू माई वर्क एंड ऑलवेज कीप ऑन डूइंग इट. और कहीं ना कहीं इसी वजह से यू नो, मैं जो काम मैं करती हूँ या फिर जो काम मुझे करना पड़ता है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको कर लेती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे करना पसंद है तो मैं कर लूँगी. तो मैं ये बात को बहुत मानती हूँ कि अगर आपको कोई काम करना है और आपको सोच लोगे कि आपको करना ही है, तो आप उसको करने के लिए दिन में कभी ना कभी टाइम निकाल लोगे. पर अगर आप सिर्फ सोचोगे कि आपको करना है पर आप उसको करने पे ध्यान नहीं दोगे ना, तभी आपका वो काम नहीं होगा. देखिए, मैं एक बहुत इजी सा फंडा बताती हूँ. ह्यूमन का जो कैपेबिलिटी होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग ना अपनी कैपेबिलिटी का 0% भी यूज़ नहीं करते, उससे कई कम हम लोग यूज़ करते हैं. आप अगर अपने आप को थोड़ा सा पुश करोगे ना, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोना सरप्राइज हाउ मच कैपेबल यू आर ऑफ डूइंग हार्ड वर्क. मेरा बेसिक रूटीन है तो मेरे लिए ये नॉर्मल काम है. मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूँ. मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग से जाके कुछ खास कर रही हूँ जिसके लिए मुझे अवार्ड या कुछ प्राइज मिलना चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ. एक इंसान को जो जो करना चाहिए मैं बस वही कर रही हूँ. एक और प्रॉब्लम क्या है आपको बता रही हूँ, मेरा ये बहुत ही बुरा प्रॉब्लम है. मैं ना कभी काम छोड़ के ऐसे बैठ के ना रेस्ट नहीं ले पाती हूँ. मतलब
मेरे दिमाग में ना वो चीज़ घूमता रहता है कि मेरा ये काम है, मेरा ये काम है। बहुत बार आप लोग अगर मेरे इंस्टाग्राम में हो, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कितना बार आई रैंट ऑन इंस्टाग्राम दैट आई हैव सो मेनी पेंडिंग वर्क एंड आई कैनॉट स्लीप, क्योंकि मुझे नींद नहीं आता, क्योंकि मैं अगर सो भी जाऊँगी ना सो के मैं सोचूंगी अच्छा ये वाला वीडियो पेंडिंग रह गया, नहीं ये वाला काम पेंडिंग हो गया, उफ इसको भी कर देते तो अच्छा होता। कितना बार ऐसा हुआ है मैं सो गई उस सब काम रैप अप करके, पर एक काम को सोचा ठीक है चलो कल कर लूँगी, पर सोने के बाद अचानक से लगा ना नहीं कर लेते ना क्या जरूरत, फिर से उठ के मैं वो काम को कंप्लीट करके फिर सोयो। यू कैन से आई एम काइंड ऑफ वर्कोहॉलिक, बट आई एम अ पर्सन विज वर्कोहॉलिक बाई चॉइस। ऐसा नहीं कि मुझे वर्कोहॉलिक नहीं होंगी तो मतलब बहुत बड़ा आफत आ जाएगा, पर मुझे पसंद है होना इसलिए होती हूँ। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम यू नो इन्वेस्टिंग विद रॉन्ग सॉर्ट ऑफ पीपल, पीपल हु विल यू नो जस्ट डीमोटिवेट और विल बी देयर विद मी जस्ट फॉर देयर ओन पर्सनल सेल्फिश रीजन एंड टू यूज और जस्ट टू यू नो show you how worse you are and to demotivate you in every point of life. पर मैंने अपना life को शायद तब से बदलना शुरू किया जब से मैंने you know I just stopped myself of getting attaching to such people. मुझे लगता है ना life में आपको इतना control होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी चीज़ के तरफ इतना ज़्यादा attachment है, जो attachment आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, सिर्फ फालतू चीज़ें कर रहा है, तो इतना आपके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए कि यू कैन गिव अप ऑन दैट अटैचमेंट। बिकॉज ट्रस्ट मी, हो सकता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको वो बुरा लगे, आपको बहुत खराब महसूस हो, आपको रोना है, बट बाद में फॉर द लॉन्ग रन इट इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज यू आर एक्चुअली लूजिंग योर अटैचमेंट फॉर समथिंग गुड। क्योंकि अटैचमेंट अच्छा नहीं होता है, जैसे मैंने कहा लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, टाइम भी परमानेंट नहीं है, टाइम आज है तो कल नहीं है, जस्ट गिव देम अप। यू शुड नो इन योर लाइफ हाउ टू लेट गो, you know you should know how to let go and when to let go. छोटी बड़ी हर चीज़ों से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि फ्रॉम एवरी बिट ऑफ एवरी स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ यू कैन लर्न समथिंग एंड दैट थिंग कैन टीच यू समथिंग एंड आई ऑलवेज ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट अपॉन दैट लर्निंग। और ट्रस्ट में मैंने ऐसे बहुत चीज़ सीखा है और आई होप मैं आगे भी सीखते रहूँ और ऐसे ही सोचूँ, और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी आप लोग भी ऐसा करो। तो आप लोगों के साथ बात करने के बाद मैंने अपना इंस्टा वीडियो का शूटिंग कंप्लीट किया, एक मेकअप रिमूव किया और एक शीट मास्क अप्लाई किया, और अभी अपने जो इक्विपमेंट्स है उसको रिमूव कर रही हूँ, मतलब अपने जगह पे रख रही हूँ। अभी मैं अपने बिस्तर को थोड़ा साफ कर ले रही हूँ बिफोर आई कैन गो टू स्लीप। वैसे मैं अभी सोंगी नहीं, बट यू नो क्लीनिंग द बेड प्रायर हैंड विल सेव मी सम टाइम। साफ कर लिया है तो थोड़ा सा बस टोनर अप्लाई कर रही हूँ। दिस इज द वाउ लैवेंडर एंड रोज टोनर, अगर आपको दिख रहा है तो बायोटिक का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिस्टम के सामने बैठ के आज मैंने काम किया है। आई विल जस्ट अलाउ द टोनर टू गेट अब्जॉर्ब इन टू माई स्किन नेचुरली। सोखने से पहले मैं अपना नाइट क्रीम लगा लूँगी एंड यूजिंग द वाउ एंटी एजिंग नाइट क्रीम। ये मेरा सबसे फेवरेट नाइट क्रीम है, ये शायद मेरा फोर्थ बॉटल है, यू कैन से you know works really well. I just love to massage this into my skin, it feels so freaking good. क्यों हमेशा बाल मेरे फेस के इधर उधर आ जाता है ना, ऑफ कोर्स क्योंकि मैं बाल खुला रखती हूँ आधा से ज़्यादा समय। अब थोड़ा अपने नेल पॉलिश का मरम्मत करूँगी, मरम्मत इन सेंस नेल पॉलिश, मैंने यही कलर पहना था, एक दो जगह उठ गया है। दिस इज़ द मेबलिन न्यूयॉर्क 7 days nail color in the shade Rouge Couture and it's a very beautiful you know maroon sort of a gel nail paint and it's actually last really nice and I'm just gonna give it a touch up so that you know मेरा तो नेल हाथ में नेल पॉलिश ज़्यादा देर टिकता नहीं है, मैं बहुत ही रफ यूज़ करती हूँ अपने हाथों को। यू गाइज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो लेट मी नो व्हेन यू गाइज वांट मी टू कम लाइव ऑन यूट्यूब ऑन वीकेंड्स एंड वी और ऑन वीकडेज, स्पेशली लेट मी नो इफ इट इज वीकेंड देन ऑन सैटरडे और संडे एंड या इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग, लेट मी नो दैट। यस, इफ यू लाइक दिस व्लॉग मेक श्योर कि आप इसको ढेर सारा प्यार दो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आपके प्यार और आपके सब्सक्रिप्शन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू नो डाउट एंड यस आई विल सी यू गाइस सून, अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय, गुड नाइट।